ध्यान सिंह मंड ने कौम के नाम दिया संदेश, इकबाल सिंह को पंथ से निष्कासित करने का दिया आदेश। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए कार्यवाहक जथेदार ध्यान सिंह मंड ने इकबाल सिंह को 20 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की बात कही थी, मगर उन्होंने अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए उन्हें पंथ से निष्कासित किया गया है। अब उनके आगे ज्ञानी शब्द नहीं लिखा जाएगा और ना ही उनके नाम के पीछे सिंह शब्द का उपयोग होगा। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समूह खालसा पंथ भली भांत जानू है कि 5 अगस्त नू अयोध्या विखे तख्त पटना साहब दे हटाए हुए जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने सिखा नू लव कुश दी औलाद दस के सिख कौम नू हिंदुआ दा अंग साबित करन दा जतन कीता सी। इस संबंधी सिख संगत वालों मिलिया शिकायतों नू मुख रखदिया सरबत खालसा इकट्ठ वालों मिली पंथक जिम्मेवारी निभाउंदिया ज्ञानी इकबाल सिंह नू स्पष्टीकरण देने वास्ते अज मिति 20 अगस्त नू श्री अकाल तख्त साहब दे सन्मुख पेश होने का आदेश किया सी, परंतु इकबाल सिंह ने हंकारी बिरती अते विपरवादी छह करके श्री अकाल तख्त साहब विखे हाजिर होना जरूरी नहीं समझिया। इस करके गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दे इस पावन स्थान उत्ते पंथक सिद्धांतां अते मर्यादा दे अनुसार 5 सिंह साहिबान ने गुरमता सोधिया है कि अजिहे हंकारी ते मकारी बिरती वाले बंदे जिसने कौम दी न्यारी होंद नूं किसे होर कौम विच मिलाउण दा कुकर्म कीता होवे उस बारे कौम दे नां संदेश जारी कीता जावे। असी 5 सिंह गुरु दे सन्मुख हो के आप सब सिखां नूं अपील करते हाँ कि अज तो बाद इकबाल सिंह दे नां नाल सिंह ज्ञानी जां जथेदार शब्द ना वरत्या जावे। असी इस दे तिन्ने रुतबे अज वापस लेंदे हाँ अते इकबाल नूं पंथ विच्चों छेकदे हाँ। इकबाल दा हुण सिख पंथ नाल कोई वास्ता नहीं है, कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नण वाला इकबाल नाल रोटी बेटी दी सांझ ना रखे। हुण इकबाल नूं खुली छुट्टी है कि वो फिर तो अपना नामकरण करके किसी भी कौम का हिस्सा अखवा सकता है, परंतु अपने नाम नाल सिंह ज्ञानी जा जथेदार शब्द की वरतों तो गुरेज करे। सरबत सिख संगतां 5 सिंह साहिबान दे इस आदेश नू गुरु साहिब दे शब्द गुरु साहिब दे बनाए सिद्धांत दी रोशनी विच प्रवान करके इस उपर पहरा दे के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।